हेलो एवरीवन, कुक विद अनु में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जब भी हमारा किसी चटपटी चीज़ खाने का मन करता है तो समोसे का नाम याद आता है, तो आज हम कुछ नए अंदाज से समोसा बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। समोसा बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप फ्रोजन मटर ली है, आप दूसरे भी ले सकते हो, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप किया हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च चॉप की हुई, 1 छोटा चम्मच अमचूर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 5 उबले हुए आलू जो कि मैंने पहले ही उबाल के रख लिए हैं, 1 कप पानी। अब हम मैदे को गूंद लेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन को हाथों में क्रश करके डालेंगे, इससे खुशबू बड़ी अच्छी तरह से आती है। अब हम पानी डाल के इसका आटा गूंद लेंगे। हमें आटा ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, ना ही ज़्यादा सख्त गूंदना है, वो ठंडा पानी लेना है हमें। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। हमारा आटा लगभग तैयार है, इसे थोड़ी देर हम और गूंदेंगे और इसको लगभग 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। जब तक हमारा आटा तैयार हो रहा है तब तक हम समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, पैन हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे 2 बड़े चम्मच। अब सबसे पहले हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, अब हम हरी मिर्च ऐड करेंगे और इनको भून लेंगे। अब हम अदरक जो चॉप किया हुआ मैंने रखा था उसको डाल लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम आलूओं को हाथों से क्रश करके डालेंगे। आलूओं को हमने मैश नहीं करना है बिल्कुल भी, इसमें टुकड़ों में कोई बड़ा छोटा ऐसे रखना है और इसको सभी आलूओं को मैश करके डालेंगे। अब हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे। जो हमें बड़े बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं हम उनको थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे और बिल्कुल बड़े नहीं रखने हैं और बिल्कुल मैश नहीं करना है। अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें हम आमचूर डालेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और मटर मैंने फ्रोजन लिए हैं, अगर आप ताजे मटर ले रहे हो तो उसको गर्म पानी से निकाल लें और इन सबको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक इनमें आलूओं में नमी ख़त्म ना हो जाए। अच्छी तरह से भून लेना है इन्हें। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है,
समोसे की स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, नमी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है तब तक हम पेड़ा लेते हैं एक हाथों, जो फुलके के जितना जितना हम फुलके का पेड़ा लेते हैं वैसे ही हमें लेना है, और इसको हाथों से चपटा कर लेना है। दोनों हाथों से प्रेस करके इसको चपटा कर लें, और फिर बोर्ड में थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है, ऑयल लगा के इसको बेलन के साथ हम बेल लेंगे। ये चिपक रहा है तो मैं बेलन में भी थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी, तो इसको हल्के हाथों से बेलें और फुलके के जितना हम इसको बेलेंगे, गोल गोल बेलेंगे इसको, अच्छी तरह से बेलें इसको सभी साइड से। अब ये हमारा रोल तैयार हो गया। अब हम चाकू की सहायता से इसको कट लगाएंगे साइड से, और दोनों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ना है। दूसरा कट लगाएंगे, ऐसे ही दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए। तीसरा कट लगाएंगे, एक फिंगर के जितना मैंने दोनों साइड से छोड़ा है। चार कट हो गए हमें पांच कट लगाने हैं दोनों साइड से छोड़े। अब दूसरी साइड से इसको उठा के और इसके ऊपर डाल दें ऐसे। अब एक साइड से लेके इसको ऐसे प्रेस करें और दूसरी साइड से भी ले आएं समोसे की शेप में। अब इसको हाथों में लेके थोड़ा सा पानी लगा लें इधर, पानी से हमारा समोसा खुलता नहीं है। अच्छी तरह से इसको हमें सेट कर देना है। ये हमारा समोसा तैयार है। अब हम इसी तरह सारे समोसे तैयार कर लेंगे। हमारे सारे समोसे तैयार हो गए हैं, अब हम स्टफिंग कर लेंगे। समोसे में आलू की स्टफिंग डालेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जब भी मन करे आपका बनाइए। अब हम इसको बंद करने के लिए पानी लगाएंगे। पानी से समोसे हमारे खुलते नहीं हैं, कई लोगों की शिकायत होती है कि समोसे खुल जाते हैं, पर आप पानी लगाओगे तो नहीं खुलेंगे। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे हम। ये देखिए हमारा डिजाइन वाला समोसा तैयार है। इसी तरह हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। हमारे सारे समोसे तैयार हो गए हैं, और मैंने पैन में ऑयल भी गर्म होने रख दिया था। अब हम थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे कि हमारा तेल ज़्यादा गर्म तो नहीं है, हमें खाली मीडियम आंच पे इसको पकाना है। अब देखिए बबल आ रहे हैं, हमारा तेल गर्म है। अब हम समोसे डालेंगे इसमें। सभी समोसों को डाल देंगे और हमें 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है, इनको हिलाना नहीं है जब तक समोसे ऊपर ना आ जाएं। समोसे हमारे फ्राई हो रहे हैं, अब हम इनको पलटेंगे, और हमें अपनी फ्लेम लो मीडियम ही रखनी है, हमें तेज़ आंच पे नहीं करना है, इनको आहिस्ता आहिस्ता पकने देना है। देखिए अब लगभग हमारे समोसे तैयार हो गए हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अब हम इनको साइड से लेके निकाल लेंगे। हमारे स्टाइलिश समोसे तैयार हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। सभी समोसों को निकाल लेंगे हम।
अब जब हम दूसरा बैच डालेंगे, हमें पहले ऑयल को ठंडा होने देना है, फिर हमें दूसरा बैच डालना है। ऑयल हमारा ठंडा हो गया है, अब हम दूसरा बैच डालेंगे समोसों का। सभी समोसे डाल देंगे, ज़्यादा हमें ऑयल गर्म नहीं करना है। अब इसी तरह इनको भी 5 मिनट तक पकने देंगे। हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे इनको, सभी समोसों को निकाल लेंगे। देखिए हमारा एक भी समोसा फटा नहीं है। अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। हमारे स्टाइलिश समोसे तैयार हैं। आप इनको चाय के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये। सुंदर तो दिख ही रहे हैं। हम इनको चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे। लीजिए, हमारे स्टाइलिश समोसे तैयार हैं। आई होप आपको नए अंदाज का समोसा अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।